आज हम फिर जाएंगे साउथ इंडिया की तरफ और बनाएंगे पूरी मसाला यानी गन पाउडर, जिसका इस्तेमाल करके आप काफ़ी सारी आपकी साउथ इंडियन रेसिपीज़ जो है उनका टेस्ट बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल इडली में, आप चाहे तो डोसा में और उत्पम वगैरह में इसका इस्तेमाल करके इसका टेस्ट बढ़ा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांताज रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए मिलकर बनाते हैं। पूड़ी मसाला बनाने के लिए हमें एक पैन लेना है, पैन में डालना है ऑयल। ऑयल आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप उड़द की दाल। आप घर का कोई भी कप या कटोरी लें और फिर उसी से सारा मेजरमेंट करें। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप चने की दाल। दोनों दालों को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनना है और गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। दाल को कुक होते 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून जितना तिल। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे कुछ करी पत्ता, क्योंकि साउथ इंडियन रेसिपी है तो इसके अंदर करी पत्ता तो बनता है। साथ ही डालेंगे 4 से 5 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर सूखा नारियल। नारियल बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर ऐड करें। और इनको भी हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आँच पर भून लेना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। 3 से 4 मिनट बाद मसाले हमारे काफ़ी अच्छे से कुक हो गए। सबसे लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे 10-12 काली मिर्च और 1 मिनट के लिए और भून लेंगे और फिर हम गैस को बंद कर देंगे और मसाला बिल्कुल ठंडा होने देंगे। मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसके अंदर कुछ और मसाले ऐड करेंगे। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना इमली, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको खट्टा स्वाद पसंद हो तो ऐड करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर डालने के स्वाद के अनुसार नमक, आधा टीस्पून जितना हम डालेंगे हींग और आधा टीस्पून जितना ही डाल देंगे हम हल्दी का पाउडर, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर इन सारी चीज़ों को हमें पीसना है और एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। सारे मसालों को हमने अच्छे से पीस लिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अच्छा कलर आया और बहुत ही बढ़िया और अच्छा पाउडर बनकर हमारा तैयार हो गया है। आप चाहें तो इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल डालकर रोस्ट करने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, तो आप इसे ज़्यादा दिन चला सकेंगे। तैयार है बहुत ही चटपटा और मसालेदार पौड़ी मसाला, जिसका इस्तेमाल आप साउथ इंडियन रेसिपीज़ के अलावा और भी अदर रेसिपीज़ में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह वीडियोस को देखते रहे, अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।